आज की एक और अच्छी खबर, नितिन गडकरी की अगुवाई में रिकॉर्ड बनाने के लिए मशहूर हो चुके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एनएचएआई ने सिर्फ 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर तैयार कर दी है। ऐसा कारनामा दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। इस काम के लिए एनएचएआई का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। हालांकि सड़क को बनाने का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टर की टीम में एनएचएआई की कर्मचारी और सलाहकार टीम भी शामिल थी। महाराष्ट्र के अमरावती से होकर अकोला के बीच से गुजरने वाले NH-53 पर 75 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को बनाने का काम 3 जून को सुबह 7:30 बजे शुरू किया गया और 7 जून को शाम 5 बजे तक इस सड़क को बनाने का काम पूरा कर लिया गया। यानी 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में 105 घंटे 33 मिनट लगे। नितिन गडकरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उस सर्टिफिकेट की कॉपी पोस्ट की है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से दिया गया। गडकरी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75वें साल में 75 किलोमीटर की सड़क को जिस तरह रिकॉर्ड समय पर बनाकर पूरा किया गया, उससे पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। आई एम वेरी हैप्पी टूडे बिकॉज अवर टीम हैज क्रिएटेड वन मोर वर्ल्ड रिकॉर्ड। NHAI successfully completed a Guinness World Record by constructing 75 km continuous bituminous concrete in single lane on NH-53 between Amravati to Akola. The work started on 3rd June 2022 at 7:27 a.m. and completed on 7 June 2022 at 5 p.m. Total time taken is 105 hours and 33 minutes. नितिन गडकरी ऐसे नेता हैं जिन्हें जितना सरकार के लोग पसंद करते हैं उतना ही विरोधी दलों के नेता पसंद करते हैं। इसकी वजह है कि गडकरी जो भी काम करते हैं उसमें कमाल करते हैं। ये नहीं देखते कि प्रोजेक्ट बीजेपी की सरकार वाले राज्य में है या फिर अपोजिशन पार्टी की सरकार वाले स्टेट में। एक बार काम हाथ में लेते हैं तो रिकॉर्ड टाइम में पूरा करते हैं और आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे रिकॉग्नाइज किया। ये देश के लिए अच्छी बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।